हे गाइस, हो कितना गंदा लग रहा हूं मैं, मुझे नहाना पड़ेगा। क्यों करा मैंने ये, क्यों करा? ओ गॉड द क्रिंज। एक बात तो कहनी पड़ेगी, मैं विदाउट बियर्ड ज्यादा सही लगता हूँ, बट आई कैन डू एनीथिंग बिकॉज आई एम इन द मिडल ऑफ 5 months नो शेव चैलेंज और मैं इसे पूरा करके रहूंगा। यस। Anyways, hey fellas, Beast Boy here और स्वागत है आप लोगों का Beast Boy Shook Setup Tour 2019 Episode 1 Part 1 Version 1. Okay, welcome. तो suddenly मेरे माइंड में आज सुबह एक ख्याल आया कि क्यों ना यार सेटअप टूर निकाला जाए। वैसे भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की तरफ से। अभी तक मैंने इस सेटअप टूर को ना होल्ड पे रखा हुआ था इस वीडियो को, बिकॉज मैं यहाँ से जल्दी ही शिफ्ट होने वाला हूँ और इस सेटअप की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। तो मैं सोच रहा था जैसे ही मैं शिफ्ट होऊंगा अपने नए रूम में, तब जाके मैं एक अच्छा सेटअप टूर बनाऊंगा, बिकॉज उसके बाद सब कुछ अरेंज हो रखा होगा अच्छी तरह। अभी तो बस ऐसे ही फैला हुआ है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इस सेटअप टूर में और जो मेरा फर्स्ट सेटअप टूर था, उन दोनों को अगर कंपेयर करा जाए ना, तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आई मीन इस सेटअप टूर में बहुत ज्यादा न्यू चीजें हैं, बहुत ज्यादा नए अरेंजमेंट्स मैंने करे थे। तो मैं चाहता हूँ एक मेमोरी के तौर पे ये सेटअप टूर भी आना चाहिए। तो बहुत टाइम से जो चीज मैंने आप लोगों से छुपा रखी थी, उसे देखने का टाइम आ गया है। क्या आप लोग तैयार हो? लेट्स गो। फाइनली मैंने आप लोगों के सामने रिवील कर दिया अपना सेटअप। ये है मेरा सेटअप। क्या आप लोगों ने देख लिया अच्छी तरह? ऑलराइट, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। Just kidding. ऐसा नहीं होने वाला, मैं आप लोगों को फुल एक्सप्लेन करूंगा। मुझे वॉच टाइम चाहिए। तो मैं अब एक अच्छे खासे यूट्यूबर की तरह आप लोगों को एक एक चीजें जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है वो एक्सप्लेन करूंगा, ताकि मुझे वॉच टाइम मिले ऑब्वियसली। तो ये है एक मॉनिटर, ये है दूसरा मॉनिटर, ये है मेरा कीबोर्ड। ऑलराइट, मुझे एक क्रिंज पना बंद करके एक्चुअली सेटअप टूर बनाना चाहिए सही तरीके से, राइट? Let's begin. Alright guys, अगर मैं आप लोगों को एक अच्छा खासा लुक दूं तो मेरा सेटअप कुछ इस तरीके से दिखता है। जी हाँ, मैं बेड पे खड़ा हूँ इस टाइम आप लोगों को एक अच्छा खासा लुक देने के लिए। तो ये है मेरा सेटअप। अब मेरे रूम में ना कुछ ज्यादा खास चेंजेस हुए नहीं है और मैं इस सेटअप टूर की शुरुआत करना चाहूंगा अपने नेचुरल ग्रीन स्क्रीन के साथ। ये तो इस ग्रीन स्क्रीन का कलर कुछ डिफरेंट हो गया है लास्ट टाइम से, बिकॉज तो इसका कलर कैसे चेंज हुआ? अब मैं एक दिन बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने ना परमानेंट मार्कर लिया और इसे भान डाला कुछ वर्ड्स के साथ। तो आप लोगों ने मेरी कुछ वीडियो में शायद नोटिस किया हो, इस पे कुछ लिखा हुआ था। तो वो ना जब मैंने वीडियो बनाना चालू करा दोबारा, तो मैंने नोटिस किया यार बैकग्राउंड थोड़ा बिगड़ गया है, तो इसीलिए मुझे ये पेंट करवाना पड़ा। लेकिन मैंने फिर भी ऐसा ही कलर चुना अजीब सा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं यहाँ से जल्दी ही शिफ्ट होने वाला हूँ, तो इसीलिए मेरी प्लीज़ दीवारों को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज ये ऐसे ही छोड़ रखी है हमने, बिकॉज ये दीवार टूटेंगी जल्दी ही, रेनोवेशन होगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कमेंट करना बंद करो, मेरे कमरे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो यस, मैं हूँ बीस्ट बॉय शुभ, जो अपने सेटअप टूर में दीवारों को दिखा रहा हूँ। अब इन दीवारों को देखते हुए हम आ जाते हैं राइट की साइड पे। ये है मेरी प्यारी लाइट। तो ये लाइट मेरे बहुत काम आती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करी है इसने, बिकॉज मैं पहले नेचुरल लाइट लेता था अपनी खिड़कियों से, लेकिन कभी कभार क्या होता था ना, रेनी सीज़न हो जाता था और बहुत अंधेरा हो जाता था और मेरी नेचुरल लाइट की ऐसी तैसी हो जाती थी, इसीलिए मुझे इनकी ज़रूरत पड़ी। आई लव यू। एक्चुअली ये मेरे पास दो हैं, मैं एक को यूज़ कर सकता था बीच में, लेकिन फिर मेरे पास ना ये स्पेस नहीं बचता, ये बीच वाला जो मेरे बेड और टेबल के बीच में है, इसीलिए मैंने बीच में नहीं लगाई, दो खरीद ली। अब इसके बाद अगर हम और थोड़ा कोने में जाएं तो आप लोगों को दिखेंगी वो पपड़ी वाली दीवारें, लेकिन आप लोगों को वो नहीं देखना, आप लोगों को ये देखना है मेरा गिटार। ये बेचारा 2-2.5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैंने यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, सो सैड। जल्दी ही टाइम आएगा इसे भी यूज़ करने का। और ये है मेरे खटके जहाँ से लाइट मिलती है मुझे। तो यहाँ पे ज्यादा खटके थे नहीं, तो मैंने ये तार वार निकाल के जुगाड़ बुगाड़, ये देखो क्या हालत हो रखी है, आए आए, सब कुछ चेंज करवाना पड़ेगा। तो ये तार वार का जुगाड़ करके मैंने ये स्विचेस यहाँ पे लगाए हुए हैं, जहां से मुझे मिलती है इलेक्ट्रिसिटी और मेरा ये पीसी चलता है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरे बैकग्राउंड में कुछ क्यों नहीं लगा रखा मैंने, क्योंकि ये पीसी चालू है, आप लोगों को लग रहा था बंद है, दोनों चालू है, ये भी चालू है, ये देखो।
लेकिन मैंने बैकग्राउंड ब्लैक करा हुआ है बिकॉज मैं एक सिंपल बंदा हूँ, मुझे बैकग्राउंड्स वगैरह आई डोंट रियली केयर टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसे ही रहता है, मेरे को सिर्फ गेम्स खेलने से मतलब है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इस पौधे के बारे में। तो ये मुझे गिफ्ट मिला था और मैं इसकी केयर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करता हूँ और ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना ग्रीन है, केयर करनी पड़ती है केयर। और फिर ये है मेरा कैप्चर कार्ड, इससे मैं इससे पहले कि मैं आपको कैप्चर कार्ड के बारे में बताऊँ, हम अपने मेन आइटम के बारे में बात करते हैं। ये है मेरा PS4 और इसके लिए मेरे पास कोई स्पेशल केस था नहीं, वो मुझे एक्चुअली बनवाना पड़ेगा, इसीलिए ये बेचारा ऊपर पड़ा हुआ है और उस पर धूल जमती रहती है, मुझे ऐसे रोज़ साफ करना पड़ता है इसे। और इसकी गेम्स को कैप्चर करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ती है इस बेबी की। अगर इसके साइड में आप लोग जाओगे तो आप लोगों को दिखेगा ये गुच्छा, और ये मेरी लीड नहीं है, ये है मेरा माइक्रोफोन जो मैंने VR गेम प्ले के लिए लिया था, लेकिन ये काम नहीं करता, बकवास एकदम। उसके बाद अगर मैं आप लोगों को अपना CPU दिखाऊं तो ये रहा मेरा CPU, ये वही बीस्ट PC है जो मेरे फर्स्ट सेटअप टूर में भी था, मैंने इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करा लिटरली। आई थिंक सिर्फ इसमें मैंने एक SD कार्ड डाला है बस, और कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। और बाकी यहाँ पे भी है बहुत सारे तारों का गुच्छा। ये है, ये आई मीन VR का कोई पार्ट है। VR को जिस दिन मैंने सेटअप करा था ना भाई साहब, उसके बेस स्टेशन एक वो रहा। बाप रे, VR का सेटअप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मेरा VR इसमें पड़ा हुआ है, मैं कभी कभार निकालता हूँ उसे, बहुत ज़्यादा झंझट है यार, दुनिया भर के तार फैल जाते हैं यहाँ पे। फिर आया मेरा ये कीबोर्ड, देखो लाल, ये जादू, लेकिन मेरा ये हमेशा रेड पे रहता है। जैसा कि मैंने बताया, आई डोंट रियली केयर, मुझे सिर्फ गेम्स खेलने से मतलब है। और ये रहा मेरा माउस जो मैंने अभी मंगाया है, बिकॉज मेरा जो लास्ट वाला माउस था 402 था आई थिंक, तो उसका ये रोलर ख़राब हो गया था और मुझे एडिटिंग के टाइम पे ये रोलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए मैंने फिर ये वाला माउस मंगाया, थोड़ा खतरनाक सा लगता है बस इसीलिए। और ये रहे मेरे प्यारे हेडफोन्स, मेरे हेडफोन्स की बात करूँ तो या तुम लोग देख सकते हो, ये बेचारे इनके ये कपड़े से निकल रहे हैं सब, मुझे न्यू हेडफोन चाहिए। यस, आप लोगों को वीडियोस में पता नहीं चलता होगा लेकिन मेरे हेडफोन्स की हालत सही में बहुत खराब है, आई मीन साउंड के हिसाब से एकदम परफेक्ट है ये, मैं अभी भी इसे 2 साल चला दूं आराम से, एडजस्ट करने वाले बंदे हैं हम, लेकिन मुझे सही में एक नया हेडफोन चाहिए यार, कब तक ये यूज करता रहूं, फटे फट गए हैं इसके ये कपड़े से, इसीलिए मुझे कोई नया महंगा हेडफोन खरीदना। स्पॉन्सर करो, स्पॉन्सर। सेटअप टूर के साथ कंटिन्यू करें तो ये मैंने थोड़ा सा अपग्रेड करा था अपने लास्ट सेटअप टूर से, लास्ट वाला मेरा आई थिंक कौन सा था 270 और ये है 920, मैंने ये रिकॉर्डिंग बेसिस पे लिया था। मैं बड़ा कैमरा लेना चाहता हूँ बट मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा इसीलिए अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। और बाकी मेरी ये 2 मॉनिटर स्क्रीन्स, मैं रियलिटी बताऊँ तो सही में एक मॉनिटर के साथ मैं नहीं जी सकता, बिल्कुल भी नहीं जी सकता, मुझे दूसरे मॉनिटर की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, रिकॉर्डिंग के टाइम, एडिटिंग के टाइम, मज़े लेते टाइम दोनों मॉनिटर चलने चाहिए मेरे, तो जब मज़ा आता है पूरा। उसके बाद बारी आती है मेरे इसकी, ये माइक बहुत ज़्यादा महंगा है, ये मेरे को 16,000 का पड़ा था, लेकिन सही बताऊँ तो 10,000 या 4,000 वाले माइक्रोफोन में भी ना बहुत मस्त मक्खन आवाज़ आती है, आई मीन जो मेरा लास्ट ब्लू, क्या नाम उसका, ब्लू समथिंग नाम था उसका, पता नहीं, मैं तो लिटरली भूल गया अपने माइक को यार, जो भी था वो सही था मेरे लिए, लेकिन फिर मैंने ये लिया। ये इंटरेस्टिंग है ना, अभी तक है तो ठीक है, चल रहा है काम। अगर मैं बात करूँ अपने टेबल की तो मेरा टेबल भी चेंज हुआ था लास्ट टाइम से, लास्ट टाइम वाले को मेज़ बोलते हैं और इससे भी आई थिंक मेज़ ही बोल सकते हो आप लोग, आई मीन सीरियसली मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी इनके बारे में, तो मैंने जो हमारा लकड़ी वाला था आई मीन कॉन्टैक्ट में था, तो सस्ते के चक्कर में मैंने बोला कि भैया एक टेबल बना दे मजबूत सा कोई, और उसने ये बना दिया एक ऑफिस टेबल या फिर एक स्टडी टेबल, जो भी बोलना चाहो आप लोग, आई मीन दुनिया भर की लक्कड़ पेल दी उसने, देखो जगह तो छोड़ी नहीं, इतना मजबूत कर दिया ये। अभी जब मैं शिफ्ट होऊंगा तो मैं इसमें भी बहुत सारे चेंजेस करवाऊंगा और रूम में भी बहुत सारे चेंजेस करवाऊंगा। और बाकी मैं एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा मेरी किसी भी दीवार पे कोई पोस्टर वगैरह नहीं है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं साउंड की। मुझे नहीं पता इस वीडियो में, अरे मेरी ग्रीन स्क्रीन, मेरा ग्रीन पर्दा तो रह ही गया, मेरी नेचुरल ग्रीन स्क्रीन काम नहीं करी थी इसलिए मैंने फिर ये लगवाया था, लेकिन ये भी कुछ अच्छा खास काम नहीं करता बिकॉज मुझे लाइटिंग प्रॉपर नहीं मिल पाती। लेकिन मैंने 3-4 वीडियो में ग्रीन स्क्रीन यूज़ करी थी और बहुत ज़्यादा डोप लग रही थी सही बताऊं तो, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी यार, बहुत ज़्यादा बीच में एडिटिंग करनी पड़ती थी मुझे बैकग्राउंड गायब करने के लिए, एक्स्ट्रा एडिटिंग इसके अलावा, वो सब मुझे एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट लगता था इसीलिए मैंने उसे अवॉइड करा। और बाकी बारी आती है मेरी चेयर की, तो लास्ट टाइम मैंने अपनी चेयर नहीं दिखाई थी और ज़्यादातर कॉमेंट्स थी कि बैठता कहाँ पे है, ज़मीन पे कहाँ पे, ये वो,
चेयर यार प्लास्टिक की यूज करता था पहले, मैं क्या दिखाता उसमें, मैं ये है वो चेयर मेरी जो मैं इस टाइम यूज कर रहा हूँ। आई मीन ऑब्वियसली ये गेमिंग चेयर नहीं है, बट मैं कोई भी उठा लाया था। धीरे धीरे नॉलेज मिलती है, धीरे धीरे तुम लोग अपग्रेड लाते हो अपने सामान में, राइट? तो अब जो भी अपग्रेड होंगी ना वो गेमिंग के बेसिस पे होगी। जब मैं ये चेयर खरीद रहा था मैं सिर्फ लुक दे के लाया था, ये डायमंड से लगे हुए हैं तो कुछ अच्छे लग रहे थे और कंफर्टेबल भी थी, तो आई थिंक या इससे मेरा काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो इस सेटअप टूर में मैं दो तीन चीज़ें और इंक्लूड करना चाहता हूँ, वो है मेरे सॉफ्टवेयर्स जो मैं यूज़ करता हूँ, ताकि दोबारा मेरे से कोई कमेंट करके पूछे ना कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। आई मीन लिटरली 1000 में से 900 बंदे मुझे यही पूछते रहते हैं कि मैं कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। तो मेरे सॉफ्टवेयर है रिकॉर्डिंग के लिए, ओ माई गॉड द फोकस, आई लव इट। अब फोकस हो जा ड्रम में, अब तो हो जा, अब भी नहीं होगा। सीरियसली मुझे ऐसे बताने की जरूरत थी नहीं, मैं ऐसे ही बता सकता हूँ। तो मेरे रिकॉर्डिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ OBS, और मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करता हूँ सोनी वेगस, मैं अपनी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता हूँ Audacity, और कुछ भी रह गया भाई, और कुछ तो नहीं है, नहीं। तो बस ये तीन सॉफ्टवेयर ही मेन है जो मैं यूज़ करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। अब बारी आती है एक क्वेश्चन की, क्या मुझे कुछ और भी ऐड करना है इस सेटअप में? तो जी हाँ, मुझे ऐड करना है एक अच्छा कैमरा, मुझे अपने PC को भी थोड़ा सा अपग्रेड करना है, और बाकी मुझे कुछ ऐड नहीं करना सीरियसली सेटअप में। आई थिंक मेरा सेटअप एकदम बेस्ट है, मेरा काम चल जाता है, बस मुझे PC अपग्रेड करना है और कैमरा लगाना है एक बढ़िया सा। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं फिक्स करना चाहता हूँ अपने लिए एक तरह से, वो है अरेंजमेंट और मेरा बैकग्राउंड। मेरा बैकग्राउंड बहुत बेकार है, तो मैं अपने बैकग्राउंड को इम्प्रूव करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, पोस्टर्स और लाइटनिंग से अपने PC को थोड़ा अच्छा बनाना चाहता हूँ, बट सीरियसली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई रियली डोंट केयर यार, क्या करूँ मैं? सब लोग मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि अपना बैकग्राउंड थोड़ा बढ़िया बना, पोस्टर्स लगा, लाइटनिंग लगा अपने सेटअप में, कुछ बढ़िया दिखे। अरे यार, आई डोंट रियली केयर, आई एम अ गेमर ब्रो, आई जस्ट प्ले गेम्स, आई लव इट। मैं सिर्फ गेम्स खेलना चाहता हूँ, ओके? मैं सीरियसली इन सजावट सुजूटों में, लड़कियों वाले काम मेरे बस की नहीं है। मुझे तो भाई जुगाड़ पानी दे दो अपना, मेरा PC है, मेरा ये है, मेरा माउस है, कीबोर्ड है, इंटरनेट है, मेरी ज़िंदगी मक्खन चल रही है यार, मुझे और कुछ ऐड नहीं करना। ओ माई गॉड, मैं भूल गया था मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने अपनी सच्ची फीलिंग्स जाहिर कर दी आप लोगों के सामने, सॉरी। ऑलराइट गाइज, ये था मेरा सेटअप टूर, आई होप आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें दिखा दी हूँ, आप लोगों को मज़ा आया है, एंटरटेनमेंट मिला है, तो दैट्स इट, इस वीडियो का मोटिव पूरा हो गया। और ये बात सच्ची थी कि मेरे को और कोई जुगाड़ पानी नहीं चाहिए, आई मीन मेरे सारे जुगाड़ तैयार है, मेरे को बहुत मज़ा आता है रेगुलर गेम्स खेलने में, आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाने में। इस सेटअप टूर में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स होती ही रहेंगी, और जैसे ही मैं यहाँ से शिफ्ट होता हूँ मैं आप लोगों को एक version 2 सेटअप टूर भी दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को न्यू रूम और मैंने सेटअप कैसे अरेंज किया होगा वो सब दिखाऊंगा। तो मिलते हैं उस वर्जन में सीधा, इसीलिए मैं चला आप दूसरी वीडियो बनाने, बिकॉज बहुत सारा काम करना है, रेंडर करनी है 2-3 वीडियोस, एडिटिंग भी करनी है और नई गेम्स भी खेलनी है, इसीलिए गुड बाय।